मैं जेपी सर एमएल कॉन्वेंट स्कूल तनाव से आज क्लास थर्ड पीएसएसटी पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखें और पढ़ें ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए चलते हैं इस पैसेज की ओर। देखिए लेसन टू का पार्ट नंबर थर्ड है, लेसन टू का पार्ट नंबर थर्ड, और लेसन का नाम दिया है द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। तो देखिए लिखा है मैप, मैप इज मोर यूजफुल देन द ग्लोब, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ, मैप्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड आर ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस सच एज पेपर क्लोथ प्लास्टिक ईटीसी, दे आर इजी टू हैंडल, दे कैन बी होल्डेड एंड टेकन एनीवेयर, दे शो मोर डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरियाज लाइक टाउन डिस्ट्रिक्ट्स ईटीसी। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको अभी इंग्लिश में इसका इंग्लिश में रीड किया हूं और इसको इसका हिंदी में ट्रांसलेट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उस वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेट हम करेंगे। ओके, तो देखिए मीनिंग है मैप, मैप मीन्स मानचित्र होता है, यूजफुल मीन्स उपयोगी, ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स कला, अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, फ्लैट, फ्लैट मीन्स चपटा, पेपर, पेपर मीन्स कागज, हैंडल, हैंडल मीन्स क्या होता है ले जाना, और एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स क्या होता है कहीं भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। इस तरह से ओके स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग्स मैं बताया हूं ये मीनिंग सभी बच्चे कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं सीधे इस पैसेज की ओर, उसका हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं। हाँ देखिए, ये जो मैटर है इससे पहले मैं ग्लोब के बारे में आपको बताया था, इससे पहले ग्लोब के विषय में आपको मैं डिटेल्स में बताया था, और उसके बाद का ये पार्ट नंबर थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड में मैप्स की बात आपको बताई जाएगी। तो यह द प्लेस द फेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के स्वरूप से ही ये भी मैटर छिपा हुआ है। तो देखिए लिखा है मैप, मैप मीन्स क्या होता है मानचित्र, एक मानचित्र होता है, उस मानचित्र के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी, पूरे वर्ल्ड की जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात पूरे पृथ्वी के बारे में भी उस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इससे पहले हम लोग ग्लोब, ग्लोब के माध्यम से समझते थे, लेकिन ग्लोब में कुछ ऐसे मैटर होते थे जो कुछ ऐसी भी चीजें होती थी जिसको हम ग्लोब के माध्यम से डिटेल्स में नहीं देख पाते थे या नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो उन चीजों को हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए लिखा है, बताया कि मैप इज मोर यूजफुल देन द ग्लोब, मैप मीन्स मानचित्र, इज मोर माने अत्यधिक, यूजफुल मीन्स उपयोगी होता है, देन माने से द ग्लोब मीन्स ग्लोब से, ग्लोब से अर्थात ग्लोब की अपेक्षा जो मैप होता है, मानचित्र होता है, यह अधिक उपयोगी होता है, मतलब ग्लोब से यह अधिक उपयोगी होता है मानचित्र। आगे लिखा है ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ, मतलब ए मैप मतलब क्या होता है, एक मानचित्र जो होता है, इज माने है, ए ड्राइंग मीन्स कलात्मक रूप होता है उसका, ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी का एक कलात्मक रूप होता है मानचित्र, मानचित्र पृथ्वी का ही एक स्वरूप होता है, पृथ्वी का ही एक भाग होता है, पृथ्वी का मतलब संपूर्ण अध्ययन मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी हम जानते हैं। ओके आगे देखिए लिखा है मैप्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड आर ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस सच एज पेपर क्लॉथ प्लास्टिक ईटीसी। ठीक, इसका मतलब समझिए, मैप्स मीन्स मानचित्र, रिप्रेजेंट मीन्स
दर्शाता है या दिखाता है द वर्ल्ड पूरे विश्व के बारे में, आर या ए पार्ट ऑफ इट या वर्ल्ड का जो भी पार्ट देखना है, एक कोई भी भाग देखना है तो पार्ट को भी वह उस भाग को भी दिखाता है, उसके अंदर हम देख सकते हैं। आगे लिखा है आर ए प्लाट, मतलब कितना मतलब चौड़ाई होती है या कहाँ कहाँ प्लाट एरिया है, वहां के एरिया को भी यह मैप दिखाता है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं प्लाट एरिया को भी। आगे लिखा है सरफेस मैंने सतह को, सच एज पेपर, जैसे मान लीजिए इस मानचित्र को हम लोग पेपर कागज पर कागज के माध्यम से और क्लोथ मीन्स कपड़े के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा मानचित्र जो बनता है प्लास्टिक पर ही बनाया जा सकता है, कागज पर ही बनाया जा सकता है और क्लोथ कपड़े पर भी बनाया जा सकता है। तो इन चीजों के माध्यम से हम वर्ल्ड की सारी जानकारी को जान सकते हैं। आगे लिखा है देखिए दे आर इजी टू हैंडल मतलब इसका क्या होगा, दे आर ये होता है इजी मतलब आसान, टू हैंडल मतलब ले जाना, मतलब इसको ले आने में बहुत आसान होता है। अब ग्लोब को तो एक जगह स्थाई रखा जाता था, उसको न हम लोग हिला सकते हैं, न गति करा सकते हैं, न कहीं भी हम उसको ले नहीं जा सकते हैं। ग्लोब को एक ही जगह पर स्थिर करके हम पृथ्वी की सारी जानकारी को देख सकते हैं, लेकिन मैप्स ऐसी चीज है, मानचित्र ऐसी चीज है जिसको हम अपने थ्रू या अपने माध्यम से कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख करके उसको फोल्ड करके उसको मोड़ कर रख करके ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। इसलिए लिखा गया है, बताया है कि दे आर इजी।